आज की वीडियो में हमारे पास दो बहुत कॉमन हैं मगर बहुत रेयर जो है इसके रेफरेंस हमें मिलते हैं गूगल पर हो चाहे यूट्यूब पर हो। तो आज हम इन दो वर्ड्स को या इन दो टर्म्स को डिटेल में जानते हैं, उनके डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे जो कि हर असेसमेंट, हर इंटरव्यू, हर एग्जाम में आप लिखेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, वो आपका दुरुस्त होगा क्योंकि ये माने जा चुके हैं हर फोरम पे, इन डिफरेंसेस को माना जा चुका है। सबसे पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में इनकी क्या फ़र्क पाया जाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि या फिर डिफरेंस ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम्स पाए जाते हैं लेकिन उनके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं बनते, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन एटम्स पाए जाते हैं मगर उनमें डबल बॉन्ड बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के दरमियान कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड नहीं बनते कार्बन एटम्स के दरमियान, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन का हो गया। दूसरा देखते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, यानी कि उनको उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर या लो हीट पर जो है वो मेल्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो है, मतलब तो थोड़ी सी हीट में भी वो मेल्ट हो जाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस इनके दरमियान हो गया। तीसरा देखते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर से मुराद वो टेम्परेचर जो हमारे सराउंडिंग में बहुत कॉमन हो, जैसे हमारी जो सराउंडिंग में टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर से पंखा चल रहा है और हम बैठे हुए हैं वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, ना उसमें हम ज़्यादा एसी ऑन किया हुआ, हमने उस पर हीटर ऑन किया हुआ, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो हमारे इन्वायरमेंट का होता है। तो उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर ये है कि वो सॉलिड होते हैं, सैचुरेटेड और लिक्विड होते हैं अनसैचुरेटेड। फोर्थ डिफरेंस ये है कि वो आखिर पाए का जाते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल्स में हम भी आते हैं, तो ह्यूमंस एनिमल्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और इसे हम ऑयल भी कहते हैं। ऑयल भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टाइप में आता है। फिर आती है इसकी एग्जाम्पल में ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल में आता है बटर, बीफ, मटन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आती हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं ऑयल्स, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सब तरह के ऑयल्स आते हैं। हम अपनी डाइट में कोशिश करते हैं कि हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाएँ ताकि हमारी जो बॉडी में है वो फैट्स जाके जम ना जाए। अगर हमारी बॉडी में जाके फैट्स जम जाएंगे, हमारी बॉडी में जो हमारा वेट होगा इंक्रीज होगा, हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इंटेक लें। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम खा भी रहे हैं तो इतना खाएं कि डाइजेस्ट हो सके। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के दरमियान। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है, समझना है, हमें DM करें, इंस्टा पर हमें मैसेज करें या पर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें।